जो है हिमाचल का सीएम के साथ की जा रही है। प्रतिभा सिंह को मुख्यमंत्री का चेहरा दिया जाए, ये बात यहाँ पर इन कार्यकर्ताओं की ओर से कही जा रही है। हालांकि यही वो कार्यकर्ता थे, समर्थक थे, जिन्होंने भूपेश बघेल और राजेश शुक्ला की गाड़ी नारेबाजी की थी, वहीं अब ये नारेबाजी यहाँ भी शुरू हो चुकी है कांग्रेस कार्यालय में। देखिए कांग्रेस कार्यालय में इनकी ओर से लगातार एक ही बात यहाँ दोहराई जा रही है कि प्रतिभा सिंह को ये सीएम के तौर पर देखना चाहते हैं। और लगातार यहाँ पर क्योंकि इंतजार हो रहा है सीनियर लीडर्स का, आएंगे तो विधायक दल की बैठक शुरू होगी, लेकिन अभी तक नहीं पहुंचे हैं दो विधायक। हालांकि देखिए यहाँ पर पहुंच चुके हैं मोहन लाल ब्राक्टा और रामपुर से नंदलाल। देखिए दो विधायक पहुंच गए हैं, बाकी विधायकों का इंतजार हो रहा है, यानी कि वो सिलसिला अब शुरू हो चुका है यहाँ विधायकों के आने का। 12 बजे सबसे पहले समय रखा गया था बैठक के लिए, 12 बजे के बाद समय 3 बजे का किया गया, 3 बजे के बाद 5 बजे का समय हुआ, 5 बजे के बाद 6 बजे अब कहा जा रहा है कि बैठक के लेकर यहाँ समय निर्धारित हुआ है। इससे पहले ये जो सीनियर लीडर्स हैं सिसिल में बैठे हैं, हालांकि वहाँ पर ये सभी चुने हुए विधायक नहीं है, कुछ एक पहुंचे हैं और कुछ एक डिस्कशन वहाँ पर इनके बीच में चल रही है, एक तरह से सहमति बनाने की कोशिश हो रही है। लेकिन उससे पहले ही कांग्रेस कार्यालय में भी हलचल काफी ज्यादा तेज हो गई है, तस्वीरें बिल्कुल हम आपको ये भी दिखाना चाहेंगे। देखिए लगातार यहाँ पर इंतजार बना हुआ है आखिरकार कब मुख्यमंत्री के फैसले को लेकर यहाँ चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले जरूरी ये है कि सभी चुने हुए विधायक कांग्रेस कार्यालय तक पहुंचे। सिसिल में अभी ये बैठक चल रही है और वहाँ पर कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला के साथ साथ जो ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं हिमाचल प्रदेश में हाईकमान की ओर से, वो भूपेश बघेल है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, और साथ ही कुछ चेहरे भी सिसिल में मौजूद हैं। चार दीवारी के भीतर वो बैठक वहाँ चल रही है। उसके बाद कांग्रेस कार्यालय में ये विधायक दल की बैठक होने वाली थी सुबह 12 बजे से लेकर, यहाँ एक समय को लेकर हम कहना चाहेंगे सहमति नहीं बन पाई है, बार बार समय में बदलाव किया जा रहा है, कई तरह के मायने अब यहाँ इसके भी निकाले जा रहे हैं। इससे पहले गवर्नर हाउस गए थे कुछ एक सीनियर लीडर जिसमें भूपेश बघेल भी थे, राजीव शुक्ला भी थे, और वहाँ सरकार बनाने का दावा यानी कि क्लेम किया गया है इन सीनियर लीडर्स की ओर से। देखिए लगातार यहाँ पर प्रतिभा सिंह के पक्ष में उनके समर्थक नारेबाजी कर रहे हैं, उनके समर्थन में यहाँ उतर गए हैं। पहले सिसिल के बाहर भी इनकी ओर से इसी तरह से नारेबाजी की थी, एक बार फिर वैसे ही तस्वीरें एक बार यहाँ बनी हुई है। विधायक इंद्रदत्त लखनपाल भी यहाँ पहुंच चुके हैं और
तारीफ हो रहे हैं ये सभी कार्यक्रम। देखिए तीन विधायक पहुंच चुके हैं जिसमें मोहनलाल ब्राक्टा, नंदलाल और इंद्रदत्त लखनपाल हैं। तीन चुने हुए विधायक कांग्रेस कार्यालय में पहुंच चुके हैं, बाकियों का इंतजार बना हुआ है। क्या आप ये भी लग रहे हैं कि सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ ही वो सभी विधायक यहां पर पहुंचेंगे जो कि उनके समर्थन में माने जा रहे हैं। दूसरी ओर अभी प्रतिभा सिंह, हालांकि इससे पहले सिसिल में थी, उसके बाद इसी कांग्रेस ऑफिस से होते हुए उनकी गाड़ी रवाना हुई, लेकिन फिर अभी तक यहां नहीं पहुंची है, तो उनका भी एक तरह से इंतजार बना हुआ है क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष है वो कांग्रेस की। और देखिए एक चीज तो हमने यहाँ पर आपको पहले ही स्पष्ट कर दी थी कि सुखविंदर सिंह सुक्खू और प्रतिभा सिंह के बीच एक कड़ा मुकाबला यहाँ पर सीएम फेस को लेकर माना जा रहा है, और अब समर्थकों ने भी अपना काम करना शुरू कर दिया है। हलचल काफी ज्यादा तेज हो गई है इस वक्त कांग्रेस कार्यालय में। होली लॉज का अध्याय अब कहाँ जाकर खत्म होता है या बरकरार रहता है, ये बिल्कुल देखने वाली बात रहेगी। क्योंकि दावा ये प्रतिभा सिंह की ओर से किया गया है, विक्रमादित्य सिंह के शब्द भी ऐसे ही थे कि समर्थक ये चाहते हैं, बाकी नेता ये चाहते हैं कि होली लॉज को ही मुख्यमंत्री पद का दायित्व सौंपा जाए। हालांकि ये भी उनका मानना था कि हाईकमान जो फैसला लेगा उन्हें स्वीकार होगा। अब यहाँ पर जो ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं, कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला जो यहाँ पर मौजूद है और जिनकी अगुवाई में फिलहाल आज की बैठक होने वाली है, क्या यहाँ उनकी बात मानी जाएगी और क्या आपस में सहमति बन पाएगी सीएम फेस को लेकर कांग्रेस में, क्योंकि इसे लेकर पहले से ही एक बड़ा विवाद यहां पर छिड़ा हुआ है। गुटबंदियां जो थी फिलहाल सीएम फेस को लेकर ही यहां सामने आई थी, और अब इंतजार बना हुआ है कि आखिरकार किसके चेहरे पर आज यहां मोहर लगती है। वीरभद्र सिंह के परिवार को लेकर ये सिंपथी फैक्टर देखिए आज भी यहाँ पर बिल्कुल देखा जा सकता है। हालांकि प्रतिभा सिंह ने दावा ये किया है कि इस बार जो कांग्रेस को जीत मिली है वो वीरभद्र सिंह की ही देन है, उनके किए गए विकासात्मक कार्यों को ध्यान में रखते हुए ही जनता ने अपना वोट दिया है और आगे भी रसूख बरकरार रहना चाहिए होली लॉज का। ये शब्द पिछले कल से लेकर बार बार दोहराए जा रहे हैं प्रतिभा सिंह की ओर से, और अब उनके समर्थक भी देखिए कांग्रेस कार्यालय में लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, मुख्यमंत्री पद का दायित्व प्रतिभा सिंह को सौंपा जाए, ये बात इनकी ओर से कही जा रही है। दूसरी ओर सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं जो अभी तक शिमला ही नहीं पहुंचे हैं और
साथ ही ये दावा भी कर रहे हैं कि अधिक विधायकों की संख्या कहीं ना कहीं उनके साथ है। तो एक बड़ा टकराव हमें अभी प्रतिभा सिंह और सुखविंदर सिंह सुक्खू के बीच देखने के लिए मिल रहा है। अब हाईकमान की सहमति किसके साथ बनती है, विधायकों का समर्थन किसके साथ जाता है, और सबसे बड़ी बात ये भी होती है कि जो ग्राउंड में काम करने वाले कार्यकर्ता और नेता रहते हैं इनका ध्यान रखना भी यहाँ पर काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बगावती सुर ज्यादातर ग्राउंड से ही उठते हैं। और अभी आप ये देख भी सकते हैं जहाँ सिसिल में इनकी ओर से लगातार नारेबाजी की गई, गाड़ियों को रोकने का प्रयास हुआ सीनियर लीडर्स के, तो उसके बाद अब यहाँ कांग्रेस कार्यालय की तस्वीरें भी बिल्कुल इसी तरह से बनी हुई है। प्रतिभा सिंह के पक्ष में लगातार यहाँ नारेबाजी हो रही है। और देखिए, राज्यपाल को अभी जो पत्र यहाँ पर सौंपा गया है, दरअसल वो क्लेम करना काफी ज्यादा जरूरी होता है, सरकार का क्लेम करना काफी जरूरी था क्योंकि कांग्रेस ने यहाँ जीत हासिल कर ली है और पिछले कल ही मुख्यमंत्री की ओर से उनका रेजिग्नेशन भी सीएम पद से दे दिया गया है। तो इस बीच क्लेम जरूर कर दिया गया है सीनियर लीडर्स की ओर से, लेकिन वापस से सिसिल की ओर फिर ये सारे लीडर्स रवाना हुए हैं। कांग्रेस कार्यालय में लगातार यहाँ इंतजार हो रहा है कि कब ये सभी सीनियर लीडर्स पहुंचेंगे और इनकी अध्यक्षता में फिर ये विधायक दल की बैठक हो पाएगी। तीन विधायक अभी तक कांग्रेस कार्यालय में पहुंच चुके हैं, इसमें एक इंद्रदत्त लखनपाल है, मोहनलाल ब्राक्टा है और तीसरे नंदलाल जी हैं, लेकिन बाकी विधायकों का इंतजार हो रहा है। जब तक 40 के करीब ये विधायक यहाँ पर नहीं पहुंचते हैं, जाहिर सी बात है ये विधायक दल की बैठक तो शुरू नहीं हो पाएगी। लेकिन माहौल जरूर इस वक्त हम आपको यहाँ का दिखाना चाहेंगे फिलहाल किस तरह का बना हुआ है, और लगातार इंतजार हो रहा है उस घड़ी का कि आखिरकार कब सीएम फेस को लेकर यहाँ मोहर लगाई जाएगी ऑब्जर्वर की ओर से और जो कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला यहाँ पर पहुंचे हैं। देखिए, जो चुने हुए विधायक हैं यहाँ पहुंचे जरूर थे लेकिन यहाँ से फिर रवाना हो रहे हैं, क्या सिसिल की ओर ये जा रहे हैं, ये भी एक बड़ा सवाल उठ रहा है क्योंकि बाकी जो अभी तक यहाँ चेहरे पहुंचे थे सिसिल में ही बैठे हैं, वहीं पर ये डिस्कशन चल रही है। और देखिए, जो तीन चेहरे यहाँ आए भी यहाँ से फिर रवाना हो रहे हैं, शायद एक बड़ा कारण ये भी है कि समय अभी 6 बजे का कर दिया गया है। हालांकि कुछ एक सूचना इस तरह की भी सामने आई है कि 6 बजे के बाद भी ये विधायक दल की बैठक आज हो सकती है। अब यहाँ संभावना ये भी बनी हुई है कि विधायक दल की बैठक हो भी पाएगी या नहीं हो पाएगी, क्योंकि सुबह से देखिए 12 बजे से लेकर तो ये बैठक नहीं हो पाई है। पहले ये समय 3 बजे कर दिया गया था, फिर 5 बजे कर दिया गया था, अब 6 बजे के बाद 8 बजे का समय भी यहाँ बताया जा रहा है। यानी कि एक तरह से सहमति अभी फिलहाल सिसिल में नहीं बन रही है इन चेहरों को लेकर। और सबसे बड़ी बात यह है कि गवर्नर हाउस, देखिए जब यहाँ क्लेम करने के लिए गए ये सीनियर लीडर सरकार का, तो वहाँ प्रतिभा सिंह भी उनके साथ शामिल नहीं थी। यानी कि विवाद एक तरह से पहले ही उठ गया है सीएम फेस को लेकर। अभी तक विधानसभा चुनाव एकजुटता के साथ कांग्रेस ने लड़ा है, लेकिन क्या ये एकजुटता आगे भी कायम रह पाएगी या नहीं रह पाएगी, ये भी अभी यहाँ एक बड़ा सवाल बना हुआ है। काफी उत्सुक ये कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं क्योंकि 40 के करीब यहाँ सीटें जीतने में कांग्रेस कामयाब रही है। देखिए, तीन विधायक यहाँ आए भी तो एक उम्मीद जगी थी कि शायद जल्दी ही अब विधायक दल की बैठक शुरू होगी, लेकिन आए और उसके बाद तुरंत ही यहाँ से रवाना हो गए। अब मायने इसके ये निकाले जा रहे हैं कि शायद ये तीनों विधायक भी सिसिल की ओर गए हैं। Yeah, yeah, yeah.
देखिए पल पल की अपडेट हम आपको जरूर दिखा रहे हैं। इस वक्त पर यहाँ नारेबाजी की जा रही है कार्यकर्ताओं की ओर से, और ये यहाँ प्रतिभा सिंह के समर्थक हैं, विक्रमादित्य सिंह के समर्थक हैं, जिनका ये मानना है कि पीएम पद का दायित्व होली लॉज को ही मिलना चाहिए, होली लॉज का रसूख बरकरार रहना चाहिए, ये हाईकमान ही तय करेगी। फिर मिलेंगे नई अपडेट के साथ, देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। धन्यवाद। Get up, boy! Get up, boy! Get up, boy! Get up, boy!